भाई बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मेरा बाल छोटा था, मेरा नाक छोटा था, मेरा नुन्नू। अरे नहीं नहीं भाई, मतलब आपका बचपन कैसा था? क्या बताऊँ वो रंगीन दिन मेरे बचपन के, सुनकर मर जाएंगे बूढ़े बचपन के। अपने बचपन में और आजकल के बचपन में जमीन आसमान राखी सनी का फर्क पड़ चुका है। आज मैं तुमको बताऊंगा हमारा चाइल्डहुड और आजकल के चाइल्डहुड के बीच का प्रकाश वर्ग किलोमीटर अंतर का फर्क। जब हम बच्चे थे और हमें बिन बुलाई टट्टी आती थी तो हमारी माँ पोछा या न्यूज़पेपर से साफ करती थी, और आजकल के बच्चों को 20-20 25-25 रुपए का डायपर लगता है। मतलब 20-20 रुपए की एक टट्टी होती है इनकी, और ये बच्चे पीते तो सिर्फ सफेद दूध है, तो टट्टी पीली क्यों निकलती है इनकी? इनके पेट में क्या कलर प्रिंटर बिठाया होता है क्या जो पीला आउटपुट मिलता है? तुम सबको तो याद होगा हम बचपन में लट्टू या भोरे से खेलते थे, गोटियों से खेलते थे, दोस्तों के साथ छुपा छुपी खेलते थे। क्या मजा आता था, मतलब एक अलग ही दुनिया में खोए रहते थे हम। और आजकल के बच्चे लुपा छुपी तो खेलते हैं लेकिन माँ बाप के साथ, फोन पे पॉन देखते देखते। गोटियां तो खेलते हैं लेकिन सिर्फ दो, वो भी खुद की गोटियां। भोरे की जगह फिजेट स्पिनर खेलते। कल एक बच्चे से पूछा ये फिजेट स्पिनर से क्या आनंद आता है, बोलता है टेंशन दूर हो जाता है। मैंने उससे पूछा तुझे क्या टेंशन है, बोलता है ये फिजेट स्पिनर खरीदने के लिए पापा के जेब से 200 रुपए चुराए थे। ये बच्चा तो बाप निकला, मेरा खोया हुआ सांप निकला। आजकल के स्कूल के बच्चों को लड़की पटाना मतलब बाएं हाथ का खेल बन चुका है। नहीं नहीं बाया नहीं, दाया। क्यों? वो बाएं हाथ का खेल अलग है। अच्छा तो आजकल के स्कूल के बच्चों को लड़की पटाना मतलब दाएं हाथ का खेल बन चुका है। 2 बजे लड़की दिखी, 3 बजे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, 6 बजे से चैटिंग, 10 बजे तक आई लव यू काम खत्म। अपने टाइम में हम जब पापा मम्मी के साथ टीवी देखने बैठते थे, प्यार शब्द सुनते ही हम इधर उधर देखकर सिर खुजाएंगे, पैर खुजाएंगे। मोहब्बत सुनते ही प्यास लगती थी, सुसु लगती थी, किचन में चले जाते थे, और आई लव यू सुनते ही चैनल बंद। और आजकल के बच्चे 7 घंटे में आई लव यू, माँ की आँख। पता नहीं ये बच्चे इतने फास्ट बन कैसे गए, स्कूल में क्या सिखाते इन्हें? कल ठोके सो आज ठोक, आज ठोके सो अब ठोक, ठाका ठोक, ठोक ठाका ठोक, ठोक ठाका ठोक ठोक। मैं जब 4th क्लास में था ना, मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं ऐसा दूर बेंच पर बैठा घूरता रहता था बस उसे। वो शक्तिमान कैसे दुश्मनों के ऊपर आंखों से लाइट छोड़ता था, वैसे मैं उस पे प्यार की कॉस्मिक लाइट छोड़ता था, ऐसा खुचुक खुचुक खुचुक। पूरे 4 साल बाद 8th क्लास में मैंने डिसाइड किया कि चलो आज उसे बताई देते। मैं घर से निकलते वक्त अपनी लकी वाली अंडरवेयर पहनी, बालों पे आधा किलो नारियल तेल मल के वो चंपू हेयर स्टाइल बना के स्कूल पहुंचा। वहां जाते ही देखा उसके साथ भैंसों। स्कूल में ये लड़कियां अकेले क्यों नहीं होती, मतलब हमेशा भैंसों की तरह झुंड बनाकर क्यों रहती है? तू देखेगा ना, सुसु करने के लिए भी ये लोग ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप की सारी लड़कियां हमेशा हंसती रहती है। फिर मैं उसके पास उसे आई लव यू कहने के लिए गया, और इनका भी फिक्स डायलॉग रहता है हमेशा, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। हाँ तो पिछले 8 सालों से क्या आंधी बहरी बनकर स्कूल में आती थी क्या? और ये करती बकरियों से बाहर आएगी तो जानेगी ना, ये जान पहचान में 21 साल निकल गए मेरे। कंट्रोल बेटा कंट्रोल। मैं जब स्कूल में जाता था ना, वो स्कूल के गेट के बाहर एक आंटी ठेला लगाती थी, 2 रुपए के कुरकुरे के पैकेट, 1 रुपए के 20-25 मीठी गोलियां आती थी जो हम ऐसे शर्ट के जेब में डालकर खाते थे। आजकल के बच्चों के जेबों से 100-200 रुपए तो ऐसे ही रास्ते पर गिर जाते। इनकी एक जेब में क्रेडिट कार्ड, दूसरी जेब में डेबिट कार्ड, तीसरी जेब में डॉलर, चौथी जेब में बिटकॉइन लेकर घूमते थे बेंचो। 1000-2000 रुपए के बर्गर पिज्जा तो ऐसे चबा के खा जाते। हम स्कूल बैग में वाटर बॉटल लेके जाते थे, ये टिंडे किंग फिशर की बोतलें लेकर बैठते क्लास में, अगर बोर होने लगे तो टीचर को भी पिला देंगे। कंट्रोल भाई कंट्रोल। तुझे पता है वो हम 10 रुपए का फोन इस्तेमाल करते थे जिसमें सिर्फ एक गाना आता था, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। आजकल के बच्चे आईफोन एक्स के नीचे नहीं उतरते। एक आईफोन एक्स वाला बच्चा सैमसंग वाले बच्चे की खिल्ली उड़ा रहा था, और यहाँ मैं अभी तक नोकिया 3310 पर अटका पड़ा हूँ। साला LKG UKG के एडमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं भड़वे। हमारे टाइम में 500 रुपए मांगने पर भी हमारे पापा ने बार्गेनिंग करके 100 रुपए में एडमिशन लिया था मेरा। सुधर जाओ फकीरो, शिक्षा के नाम पर ये 1.5 लाख रुपए डोनेशन लेते हो, तुम्हारे वजह से असली टैलेंटेड बच्चे पैसों की कमी के कारण ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाते। ये शिक्षा कौन है? तेरी बहन की मौसी। अपने टाइम में अबे बनकर अपना टाइम, 5 साल हुए नहीं 10वीं क्लियर हुए, अपना टाइम लगा रखा है। बाबा आदम की जमाने की पैदाइश है क्या? और तुम बच्चे जवान बूढ़े जो भी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब मारो। I have you